कड़ी में आज हम दिव्य दर्शन लाभ प्राप्त करेंगे हरियाणा राज्य जिला झज्जर जटेला धाम माजरा में स्थित श्रद्धेय नितानंद जी महाराज के दिव्य धाम का। जी हाँ, पूज्य नितानंद जी महाराज एक ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने अपनी वाणी से समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर किया, बाह्य आडंबरों को दूर किया। यहाँ इस दिव्य धाम पर आकर मन हर कलेश से मुक्त हो जाता है और हम प्राप्त करते हैं एक असीम दिव्य आनंद की अनुभूति। यहाँ दिव्य धाम पर आकर मैं श्रद्धेय नितानंद जी महाराज के चरणों में शीश झुकाकर इतना ही कहना चाहूँगी, नितानंद सुमरत रहो गहो ज्ञान गंभीर, बिना भक्ति भगवंत की वृथा मनुष्य शरीर। सत साहिब। आज से लगभग 280 वर्ष पूर्व श्री स्वामी नितानंद जी का जन्म बीरबल परिवार में नारनौल की लाल हवेली में हुआ। स्वामी जी की वृंदावन में तहसीलदार पद पर विराजमान हुए। वहां रहते हुए उनकी भेंट सदगुरु गुमानी राम जी से हुई। तीव्र वैराग्य भाव के कारण स्वामी गुमानी राम जी से दीक्षा लेकर श्री स्वामी नितानंद जी महाराज बहु ज्वेलरी और माजरा में जटेला धाम आए। वर्षों तक कठोर तप किया। श्री स्वामी जी महाराज को तपस्या करते हुए जाल वृक्ष के नीचे परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। स्वामी जी ने पूर्ण ब्रह्म ग्रंथ सत्य सिद्धांत प्रकाश की रचना कर संपूर्ण जगत पर अविस्मरणीय कल्याण किया है। भक्तजन नतमस्तक होकर गुरु चरणों में श्रद्धा भाव से यही कहते हैं, परम धर्म बुद्ध ज्ञान विधाता, अक्षमाशील जत सत के दाता, दर्शन किए अगरहे न नेरा, ज्यों रवि उगे भगे अंधेरा। स्वामी नितानंद जी महाराज आश्रम जटेला धाम माजरा दुबलधन जिला झज्जर हरियाणा में पूज्य स्वामी जी की खड़ाऊ, भोजन पात्र, जल पात्र, ज्ञान गुदड़ी, निवार का पलंग सभी भक्तों के दर्शनों के लिए मकान साहिब माजरा में विद्यमान है। मैं श्री महंत राजेंद्र दास स्वामी नितानंद आश्रम जटेला धाम से बोल रहा हूँ। आप सभी को आह्वान करता हूँ कि आप इस तपोभूमि के आकर के दर्शन जरूर करें। इस तपोभूमि के ऊपर स्वामी नितानंद जी महाराज ने परब्रह्म परमपिता परमात्मा का साक्षात किया। स्वामी जी ने अपनी वाणी में कहा भी है, जिस वन में प्रीतम मिले धन धन बन सोए, जाल करील सुहावणी रहे कलप्तरु होए। और स्वामी जी महाराज ने उस पर परब्रह्म परमात्मा का साक्षात करने के बाद एक और वाणी कही है, एक रोम के तेज में सूरज कोटि अनंत, ऐसी छवि उस पीर की नितानंद बेअंत। एक रोम का इतना तेज था कि करोड़ों सूरज फीके पड़ जाएं। ऐसी तपोभूमि के ऊपर गुरुदेव स्वामी नितानंद साहब की पगधोली है। आप इस स्थान के ऊपर आकर के स्वामी जी महाराज की उस धोली को मस्तिष्क लगा के अपने जीवन को सार्थक करें। जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरोवर की छाया, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरोवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया। की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरोवर की छाया। भटका हुआ मेरा मन था, कोई मिल ना रहा था सहारा, भटका हुआ मेरा मन था, कोई मिल ना रहा था सहारा। लहरों से लड़ती हुई नाव को जैसे, लहरों से लड़ती हुई नाव को जैसे, मिलना रहा हो किनारा, मिलना रहा
लड़खड़ाती हुई नाव को जो किसी ने किनारा दिखाया। ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरा। सूरज की गर्मी से जलते मैं बोलूँगा